जिला परिषद कैडर के अधिकारियों व कर्मचारियों की मांगों का नैना देवी ब्लॉक प्रधान संघ ने समर्थन किया है। मंगलवार को जिला परिषद कैडर के अधिकारियों व कर्मचारियों की विकास खंड कार्यालय में चल रही पेन डाउन स्ट्राइक के दूसरे दिन नैना देवी ब्लॉक प्रधान संघ के अध्यक्ष बाल कृष्ण ठाकुर ने इनकी मांगों का समर्थन किया। अचानक विकास खंड श्री नैना देवी में अपने किसी निजी काम से और सरकारी काम से ब्लॉक में पहुंचा तो मैंने देखा कि यहाँ का टेक्निकल स्टाफ जी साहब जितने भी हमारे सचिव है ब्लॉक का जितना भी टेक्निकल और ये जो क्लरिकल का स्टाफ था ये यहाँ पे हड़ताल पे बैठा था। तो मैंने पूछा कि सर आपको इसमें क्या दिक्कत है, तो इन्होंने कहा कि हमारे को ना तो सरकारी कर्मचारी गिना जाता है और ना ही हमारे को सरकार की तरफ से कोई वित्तीय लाभ मिलता है, ऐसा हमारे को पता नहीं था। हम तो इनको सरकारी ही कर्मचारी मानते थे। मेरी सरकार से अनुरोध रहेगा कि इनके सिर पर ही सारा विकास कार्य चला है, अगर ये लोग ही पेन डाउन करके बैठ जाएंगे तो हम किससे काम लेंगे। ना तो हमारा टेक्निकल स्टाफ काम कर रहा है, ना ही हमारे सचिव जितने भी हैं ये काम नहीं कर रहे हैं। लोगों को कोई किसी का इंटरव्यू चला हुआ है, किसी को और दूसरे कामों से अपने प्रमाण पत्र लेने पड़ते हैं। तो जब हमारी पंचायतों में सचिव या टेक्निकल स्टाफ नहीं होगा तो इससे दिक्कत है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि तुरंत इस जितने भी हमारे हिमाचल में पैन डाउन कर चुके कर्मचारी हैं इनको शीघ्र अतिशीघ्र इनकी मांग को उठाएं, मैं उठाता हूं और इनको सरकार से अनुरोध। एनस्टार न्यूज़ के लिए स्वागत से राजेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। इनकी समस्या का निवारण करने की कृपा करें।